झारखंड विधानसभा चुनाव आ रहा है नजदीक, तभी तो विधायक मंत्रियों का दिल हो रहा है वीक। कोई नाच नचवा रहा है तो कोई चंदा बांट रहा है, तो कोई धड़ाधड़ शिलान्यास कर रहा है, तो कोई ऑनलाइन उद्घाटन कर रहा है। झारखंड में चुनाव आयोग कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है, इस कारण जितना शिलापट का घूंघट उठाना है उठा लो, क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही पूरे राज्य में आचार संहिता लग जाएगा। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद अब झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक आयोग कभी भी दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए झारखंड से सभी संबंधित आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं। रविवार को छुट्टी के बावजूद चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा आंकड़े प्रेषित किए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि झारखंड में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। आयोग चुनाव की तिथियों का निर्धारण त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। 31 अक्टूबर को दिवाली तो 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भाई दूज और 7 व 8 नवंबर को छठ महापर्व है, जबकि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और गुरु नानक जयंती दोनों है। आयोग छुट्टियों की तिथि के मद्देनजर चुनाव की तिथियां निर्धारित कर रहा है। झारखंड बनने के बाद से एक बार छोड़कर हमेशा 5 चरणों में चुनाव करवाए गए हैं। साल 2005 में 3 फरवरी, 15 फरवरी और 23 फरवरी को मतदान हुआ था। वर्ष 2009 में 5 चरणों में चुनाव हुआ था। 2014 में भी 5 चरणों में चुनाव करवाए गए थे। 2019 की बात करें तो 5 चरण में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार शायद 2 या 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। निर्वाचन आयोग 16 अक्टूबर को चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है।